दिल्ली में जा करके हम लोग रॉ मटेरियल को लेकर के इसमें क्या करते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग होगा कैसे? तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को व्यवस्था करना पड़ता है कि हम लोग किस हिसाब से पहले रॉ मटेरियल को क्रिएट करना पड़ता है। और इसके लिए तुम्हें हम लोग जो है हमने पहले भी बताया है क्या चीज, इन्वेंट्री इन्फो को बनाना। इन्वेंट्री इन्फो बताया है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को इन्वेंट्री इन्फो को तैयार करना पड़ेगा। क्या हमको जो है यहाँ पे मटेरियल चाहिए उसको तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करके तब जो है यहाँ पे हम लोग बनाने का काम करेंगे। अब क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए, हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें यस और नो करना पड़ेगा, और यस और नो करके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक भाउचर बनाना होगा और इन्वेंट्री डिटेल्स को बनाना होगा। तो पहले हम लोग इन्वेंट्री डिटेल्स को पढ़े हुए हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल्स में जाएंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइटम को क्रिएट करेंगे, रॉ मटेरियल आइटम। तो इस पेन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो इसमें हम जा करके क्रिएट करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत जगह पे तुम लोग देखा होगा कि BOM यस करने के लिए पूछता है, उसका नाम होता है बिल ऑफ मटेरियल, उसे हम लोग बिल ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। ये एक बार हम लोग ट्रायल करेंगे F12 के अंदर कि इसमें बिल ऑफ मटेरियल्स कहीं है कि नहीं है। तो F12 में जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है नो, इसको यस कर देंगे, है ना। तो यस कर देंगे तो इसके बाद हम लोगों को बिल ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कहीं आया है क्या? तो हम यस नहीं किया है क्या? एक बार F11 में भी देखते हैं, F1 में इसने तो कहीं नहीं होगा, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? पीस में बना हुआ है। चलिए हम लोग पहले बना करके देखते हैं, एक एक करके हमको क्या चीज चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक इंक, अगर इसमें काम करना है तो यहाँ पे ब्लू इंक चाहिए ना। ब्लू इंक जो है इसको कहेगा कि इसको किसके अंदर रखना है। अच्छा, पेन पहले से बना हुआ है इसमें। अच्छा, पेन हम लोग आइटम में रखेंगे, दिक्कत नहीं। तो ये किसके अंडर में जाएगा, कैटेगरी क्या होगा, ये सब चीज को लेकर के लेकिन यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, कि इंक जो है वो कितने का आ रहा है ना, इंक जो है कितने का आ रहा है। तो ये पीस में जैसे इंक का या ग्राम में भी हम लोग रख सकते हैं, है ना, कि इसमें कितना लग रहा है, या लीटर में मीटर में सब आता है ना। तो इसमें कितना इंक लग रहा है ना। तो जैसे एक हम बोतल खरीदते हैं इंक का, ऐसे भी भरने के लिए मिला होगा बहुत बार, है ना। तो एक बोतल खरीद देंगे तो उसमें 10-15-20 गो में तो आराम से रह जाएगा, है ना। तो उसमें ग्राम में करके आता है, हम पीस में मान के चलते हैं कि 10 पीस को बनाने के लिए जो है एक पीस में 10 गो बनेगा, इसके हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे चले तो यहाँ पे जैसे गए तो यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स BOM कह रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ पे अभी जो है नो रहने देंगे, इसमें आगे के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है
है ना, यहाँ पे पीस में अगर कह रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं ग्राम में चाहिए, है ना, तो ग्राम भी हम लोग यहाँ से यूनिट को ले सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो ग्राम में भी हम लोग रख सकते हैं, अभी उसको हम नो रखेंगे। मान के चलिए कि इंक जो है ओपनिंग क्वांटिटी में, अगर हम चाहें तो रख सकते हैं, या हम लोग परचेज भी कर सकते हैं। नहीं है हमारे पास कोई सामान तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम ओपनिंग स्टॉक में तुम लोगों को बताए थे पहले जब हम लोग बना रहे थे, तो सिर्फ आइटम कि जब हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में, जैसे यहाँ पे मोन्टेक्स बना रहे थे, और ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी 5 पीस रखेंगे तो गोदाम में जाके 5 पीस एड हो जाता था ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम रख सकते हैं। मान के चलो कि हम इस पेन को मैन्युफैक्चर करना है, तो हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया है कि यहाँ पे पहले से जो है, यहाँ पे हमने जो है इंक जो है खरीद लिया है। इंक हमने क्या किया है, खरीद लिया है। इंक हमने खरीदा है कितना, तो यहाँ पे 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम हमने इंक खरीदा है। किस गोदाम में रखना है, बरौली में। क्वांटिटी रेट क्या है ना, तो 100 ग्राम का रेट मान के चलते हैं कि इसमें जो है ये दे रहा है कि 100 ग्राम का रेट जो है 10 रुपया पड़ रहा है। ठीक, दस रुपया पर ग्राम, ये तो गड़बड़ हो गया ना वो, ये तो 10 रुपया पर ग्राम होता है, 1,000 रुपया का 100 ग्राम हो गया। सौ ग्राम दस रुपया पर ग्राम, हम इसको जो है 2 रुपया पर ग्राम मानते हैं। ठीक है, 2 रुपया पर ग्राम मानते हैं कि इतना के रेट के हिसाब से है, माने रेट वैल्यू अपने से हम दे सकते हैं जितना का पड़ा हुआ हो इंक। उसके बाद हमको एक और चीज चाहिए, क्या चीज, नीब चाहिए एक। हम बताएं क्या चाहिए, नीब। इसका आइटम क्वांटिटी छोड़ते हैं, पीस में इसको ले लेते हैं, है ना, इसको अभी नो रहने देते हैं। नीब हम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी जो है ये भी 100 पीस, गोदाम बरौली दे देते हैं। नीब हम लोगों का मान के चलिए पड़ रहा है 0.50 पैसा एगो। आ नहीं गया, कितना का पड़ रहा है, 50 पैसे का एक पड़ रहा है। ये भी हम लोग जो है खरीद करके रखे हुए हैं। नीब के बाद हम लोगों को एक और चीज चाहिए, क्या चीज, रिफिल। रिफिल नहीं चाहिए, अब खोल लो। रिफिल के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, रिफिल जो है इसको भी हम लोग पीस में खरीद रहे हैं। सब हम लोग 100 100 पीस खरीद रहे हैं कि 100 गो पेन तैयार किया जाएगा। ठीक है, बरौली में क्वांटिटी 100 पीस। अब इसके लिए इसका रेट हम लोग देते हैं कि एक गो रिफिल जो है हम लोगों को पड़ रहा है कितना का, 1 रुपये का, है ना, यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों के पास और भी बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें से हम लोगों का वो कवर चाहिए चाहिए ना, प्लास्टिक का बॉडी, है ना, तो यहाँ पे कवर बॉडी ये हम लोग ले लेते हैं, इसको भी पीस में। और पीस में लेने के बाद ये भी लेते हैं हम, कितना पीस, 100 पीस, बरौली गोदाम में रख देते हैं। एओ का दाम, प्रिंट व्रिंट सब लेके, कैप वगैरह लेकर के कितना पड़ रहा है, 2 रुपया, है ना, इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इस हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो ये बन गया। अब सब मिला करके अंतिम में हमें इन सारे चीज़ों को मिला करके, रॉ मटेरियल्स तो हमारे पास हो गया, है ना, इंक हो गया हमारे पास, और क्या हो गया, नीब हो गया, रिफिल हो गया, बॉडी हो गया, है ना। अब इससे हम लोग पेन जो है क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो जब पेन तैयार होगा तो आखिर में हम लोगों को आइटम के अंदर का जो रखना है उसका नाम रखना है, क्या चीज़, पेन।
क्या हम लोगों को बनाना है, पेन बनाना है, तो इस पेन के लिए यहाँ पे चलते हैं, ठीक ना। और पेन के लिए जब चलेंगे, ये प्राइमरी में रखते हैं, ये यूनिट में हम लोग लेके चलते हैं, पीस में। अब यहाँ पे BOM, बिल ऑफ मटेरियल्स को जो है लास्ट में जो आइटम हमें निर्माण करना होगा उसके लिए बिल ऑफ मटेरियल्स होगा, इसको यस करना होगा। जब इसको यस करना होगा तो ये कहेगा कि यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल पेन का बन रहा है, लेकिन जो बिल ऑफ मटेरियल होगा उसमें आइटम का कौन सा आइटम है उसका नाम दीजिए। तो जैसे कि उस पेन का नाम हम बताए क्या था, टाइटेनिक। अच्छा, टाइटेनिक जो है टाइटेनिक नाम दे देते हैं, लेकिन टाइटेनिक तो नहीं, पुराना नाम है चाहे नया नाम है ना, तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको हम लोग लिंक नाम दे देते हैं, लिंक ग्लाइजर। यह है ना पेन, लिंक ग्लाइजर एक नाम दे दिए, ये पेन का नाम हुआ। अब कह रहा है कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको जो है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितने यूनिट को मैन्युफैक्चर करना है ना, कितने यूनिट को मैन्युफैक्चर करना है यहाँ से निकाल सकते हैं आप। 100 निकालिए, 200 निकालिए, 500 निकालिए, अच्छा है एक पीस निकालिए, है ना। एक पीस का भी हम लोग दे सकते हैं, 500 पीस का भी हम लोग दे सकते हैं, हम यहाँ पे एक ही रखते हैं समझने के लिए। कह रहा है कि एक लिंक ग्लाइजर को बनाने के लिए, आगे जब यहाँ पे डिटेल खुलेगा तो इसमें कहेगा कि एक लिंक ग्लाइजर को बनाने के लिए इसमें से क्या क्या लग रहा है ना। तो हम कहेंगे कि ब्लू इंक लग रहा है पहले, है ना, गोदाउन का नाम दे दिए। कहेगा कि क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लग रहा है ना, कितना लग रहा है वो पेन को बनाने के लिए जी, हम लोग उधर कितना लिए थे, 100 रुपए के हिसाब से। तो हम लोगों को यहाँ पे लगेगा कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो यहाँ पे एक दे करके देखा जाए, 1 ग्राम लगेगा ना, हम लोग 10 गो पेन का हिसाब किताब लिए हैं, 1 ग्राम लग रहा है। उसके बाद कहा गया कि बॉडी, बॉडी जो है यहाँ पे लग रहा है बरौली गोदाम से, यहाँ पे बॉडी कई गो लगेगा, एक गो बनाने के लिए एक पीस, एक गो बनाने के लिए 4 गो बॉडी लगेगा ना, कौ गो लगेगा। अब्बा तब तो तुम लोग होशियार है, मैंने कुछ लोग नींद में चला गया था इसलिए जगाए हैं। अब देखो एक गो में नीब जो है कितना लग जाएगा, हो एक पीस नीब भी लगेगा, यहां तक कोई दिक्कत। एक बनाने के लिए अब नीब के अलावा क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये भी एक पीस चाहिए, हो गया ना। अब एंड ऑफ लिस्ट, और कुछ नहीं ना है, कैप तो बने नहीं गया, ढोकने के साथ था, 2 रुपये में दिए नहीं थे, वो बॉडी के साथ कैप में है, बुझा नू। अब इसको हम यहां से जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वहां पे हम लोगों को सामान चाहिए था, अगर वहां पे हम ओपनिंग स्टॉक में सामान नहीं रखते तो क्या करते, तो हमें क्या करना होता, उन सभी सामानों को किसी न किसी से खरीद के लाना होता, परचेज करना होता। जब हमारे पास स्टॉक हो जाएगा तब जो है हम रख सकते थे, ठीक ना। इस हिसाब से भी हम लोगों के द्वारा ये चीजें बनाई जा सकती थी। अब इसको हम एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, यहां तक हम लोगों का इन्वेंटरी डिटेल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हमको भाउचर चाहिए, तो भाउचर चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग भाउचर नहीं बना हुआ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग भाउचर जो होता है ये नहीं बना हुआ रहता है, इसे तुम्हें बनाना पड़ता है। कहां से बनेगा, तो यहां पे इन्वेंट्री इन्फो में जाओ, इसमें भाउचर टाइप में जाओ, और भाउचर टाइप में जाने के बाद क्रिएट करो एक भाउचर को, नाम होगा क्या चीज, मैन्युफैक्चरिंग, MAN मैन्युफैक्चरिंग भाउचर। अगर कोई भाउचर डिलीट भी हो जाता है, जैसे परचेज भाउचर, सेल वाउचर, सेल ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट होता है ना, डेल हो जाता है ना, सब यहीं से बनता है, तुम अल्टर करके उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो, देख सकते हो,
ना। एक हम लोगों ने भाउचर का निर्माण किया, यहाँ पे आए, अब ये कह रहा है कि किसके अंदर जाएगा जी, तो ये स्टॉक जनरल के अंतर्गत जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब हम सामान मैन्युफैक्चर करेंगे, जब हम सामान बनाएंगे, तो जाके कहाँ रहेगा? हमारे स्टॉक में। हमने जो है 100 पीस पेन बनाया, तो 100 पीस पेन जाके स्टॉक में रहेगा ना जी, इसलिए उसको रखा जाता है किसके अंदर? स्टॉक जनरल के अंतर्गत। ये स्टॉक जनरल के अंतर्गत आता है। इसका जो है शॉर्ट नेम एसटीके, JRNL करके होता है। बहुत बड़का आतंकवादी है। ये अभी जानता ही नहीं है, सब बॉम्बे फेंक देंगे वो एबीसीडीए को। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेथड ऑफ भाउचर नंबरिंग, इसको ऑटोमेटिक रहने दिया जाता है। माने भाउचर नंबर जो आता है, भाउचर नंबर 1, भाउचर नंबर 2, भाउचर नंबर 3, ये कुनवा में को क्या आता है, क्या होने कर क्या आता है ना, ऑर्डर नंबर दे रहता है, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2 अपने आप आ रहा था। तो इस तरीके से नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक कर सके, इसके लिए यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद है ना, अलाउ नरेशन, एक यहाँ पे आता है यूज मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको थोड़ा सा हम यस करके देखते हैं क्या आता है ना। यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको यस कर देते हैं है ना। यहाँ पे सिर्फ बनाने के लिए यस किया जाएगा, बाकी कोई चीजों में अंतर नहीं रहेगा, और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करेंगे, एक भाउचर हम लोगों का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब रही बात कि इस मैन्युफैक्चरिंग भाउचर को हम लोग ओपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भाउचर किसी भी भाउचर में आएंगे, हम पहले से जानते हैं Alt F7, नाम सुने हैं Alt F7 किसका शॉर्टकट की होता है? स्टॉक जनरल का। किसका? पहले ही बताए थे, गोदाम से दूसरे गोदाम में सामान जो है उठाने के लिए बताए थे जी सर, उठाने के लिए बताए थे। एक गोदाम से दूसरे गोदाम में रखने के लिए बताए थे ना। अब दिमाग मत लगाओ, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से जाएंगे, कह रहा है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट है ना। नेम ऑफ प्रोडक्ट में कहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कौन पेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बनाया था पेन, आइटम में क्या बनाया था, पेन बना रहे हैं। पेन का नाम क्या है? लिंग लेजर वहां पे सेलेक्ट किया है। अब ये कह रहा है कि इसमें हम लोग जो है कौन कौन सा आइटम यहाँ इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे दिखा रहा है ना। अब उसके बाद ये कहेगा कि किस गोदाउन में रखना है, इसको बनाना है तो कहाँ रखा जाए, चलो बरौलिया में रख देते हैं, चुप ना रहे रहे ना, मानेगा सब आ जाए नारदा। अब यहाँ पे कहेगा कि क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है कितना पीस, तो हम जैसे मान के चलते हैं फिलहाल 1 पीस, तो 1 पीस बना रहे हैं, तो ओकर कॉस्ट कितना आया, कौन कौन सा सामान रहा, ये टोटल अपना निकाल करके दिखा दिया, कौन कौन सा सामान रहा, उसका कॉस्ट क्या क्या आया है ना। अब 1 पीस बनाने के लिए तुम्हें ब्लू इंक इस गोदाउन से लेकर के तुमने बनाया 1 ग्राम लगा, उसके बाद कवर बॉडी तुमने 1 पीस लिया है ना, 1 पीस को बनाने के लिए 1 गो लगेगा ना, अगर 5 पीस बनाएंगे तो उस हिसाब से वहां पे एडजस्ट करेगा है ना। तो 2 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसा, कौन रुपया बन गया इसका, 7 रुपया में बेच दिया जाएगा, बुझ रहा है ना। तो इस हिसाब से हम लोग कर देंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप 1 डाले हैं तो वहां पे 1 आया है, अगर यहाँ पे हम 10 पीस क्वांटिटी बनाते हैं तो कितना लगेगा। तो यहाँ पे इंटर करेंगे, अब देखो बदलाव हुआ ना, क्योंकि अब हम 10 पीस क्वांटिटी बनाएंगे तो
ऑटोमेटिकली ये समझ में यहाँ पे आ रहा है क्या चीज कि 10 पीस के लिए 10 ग्राम चाहिए इंक, 10 को कवर बॉडी चाहिए, यहाँ पे 10 जो है नीब चाहिए, 10 रिफिल चाहिए, ये सब का रेट कितना के हिसाब से है, कोको रुपया का रेट लग गया, टोटल कितना का हो गया। तो ये यहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर तुम एक बनाते हो तो एक को रखो, अगर तुम यहाँ पे 10 को बनाते हो तो यहाँ पे 10 को रख सकते हो। अपने हिसाब से इन सभी चीजों को एडजस्ट किया जाता है। और जब यहाँ पे तुम मैन्युफैक्चर कर लिया, इतना सामान लगा करके बना लिया, तो ले जा करके रख दो, तुम्हें जहां रखना है उस हिसाब से तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे टोटल एडिशनल कॉस्ट वगैरह लेकर के कितना पड़ा, ये सारी चीजों को आ जाएगा। और फिर जब तुम सारी चीजों को लेकर के तुम यहाँ पे इंटर कर दिया, अब आओगे तो यहाँ पे और भी तुमको अगर कोई को प्रोडक्ट या स्क्रैप, इसमें और भी कोई चीज लग रहा है ना, तो उसको भी तुम यहाँ पे रख सकते हो। अगर मान के चलो कि उस पेन को, अगर लिंगलाइजर को तुम दे रहे हो, है ना, तो उसको रखने के लिए वो डिब्बा तुमने रखा, तो डिब्बा का भी कॉस्ट तो आएगा ना। तो ये सब को प्रोडक्ट हो जाते हैं, इनको रखा जाता है इसके अंदर। तुम निर्मफ आइटम में डायरेक्ट बना सकते हो और यहाँ पे उसके रेट को भी दे सकते हो। लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो इसकी कोई जरूरत, अगर तुमने फिक्स रखा है कि नहीं पहले ही लगेगा, तो जिस समय हमने आइटम बनाया था उसी समय हम इसको जो है क्या करेंगे, दे देंगे यहाँ पे, तो उस समय भी ये बन सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से अब फिर हम नीचे गए, यहाँ पे किसी और तरीके का एडिशनल कॉस्ट लगा, एडिशनल टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट क्या हो गया, जैसे मान के चलो, नहीं जीएसटी का बात बाद में रहेगा, अभी एडिशनल कॉस्ट क्या रख सकता है, एडिशनल कॉस्ट लग सकता है कि उसको उठाने में, ले जाकर रखने में, पैकिंग करने में अगर कोई एक्स्ट्रा खर्च लगा है, 10 गो पेन बनाने के लिए अगर हमको जो है 2 रुपये का खर्चा लगा है ना, किसी ने कहा कि हम 10 गो पेन जो है उसमें रिफिल लगाएंगे, कसेंगे, स्टिकर लगाएंगे, उसको पैक करेंगे, एगो बॉक्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम 2 रुपया लेंगे, तो 2 रुपया हमारा तो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना, तो वो सब एडिशनल कॉस्ट में गिनती होता है, तुम यहाँ से उसे बना सकते हो, है ना। तो इसका पूरा का पूरा वीडियो जो है हम रख देते हैं, क्योंकि ये इसलिए थोड़ा सा वीडियो हमको बनाना पड़ा कि इसमें जो है दिक्कत ये हो रहा है कि थोड़ा सा लंबा भाउचर है ये, है ना, इसमें बहुत सी कामों को जो है करना पड़ेगा तब जाकर के ये बनेगा, है ना। अभी तक तुमने जितना भी भाउचर पढ़ा उसमें बिल्कुल शॉर्ट में तुम समझ में तुमको आ जा रहा था, लेकिन इसमें तुमको कभी आइटम बनाना है, कभी भाउचर को बनाना है, कभी कुछ बनाना है, तो सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम जो है अपलोड कर देते हैं और उस पे तुम लोग आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर दिए तो यहाँ पे हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को आराम से देख करके बना सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत होगा तो, है ना, हालांकि हेल्प लेना पड़ेगा, एक बार में गलती होगा तो नहीं भी बन सकता है, ठीक। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे इस पे काम होता है।